नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की कैप्टन सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ही पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया है। कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू को ना तो कैबिनेट में कोई जिम्मेदारी दी गई है और ना ही पार्टी में, जिसके चलते अब सिद्धू ने कैप्टन सरकार की पोल खोलनी शुरू कर दी है। पटियाला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि जब कोई मामला दबाना होता है तो SIT बना दी जाती है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में सिट का मतलब ही सिट डाउन है। पंजाब सरकार पर बोलते सिद्धू ने कहा कि 2017 की विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बेअदबी मामलों के दोषियों को सजा दिलाने और नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्यवाही करने का दावा करके सत्ता में आई थी, लेकिन पंजाब के लोग आज भी बेअदबी के मुलजिमों पर कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं, या इस तरह कह लें कि लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। सिद्धू ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी वे आज भी अपने सवालों का जवाब इंतजार कर रहे हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सिद्धू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस मामले में जांच कमेटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट में पेश की और इसमें मुलजिमों के बाकायदा नाम भी पेश किए गए, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कहा कि हमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी। सिद्धू एक के बाद एक रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो पंजाब की कैप्टन सरकार पर आरोप लगाते नहीं थक रहे। ऐसे में चर्चा ये भी है कि आने वाले दिनों में या तो सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर खुद की पार्टी बनाकर मैदान में उतर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।